नमस्ते अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर दोस्तों बात करेंगे निफ्टी की निफ्टी इस वक्त तेरह सौ दस रुपये पे ट्रेड करिए कितना तेरह सौ दस रुपए हजार रुपये के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रही है ये कैसे कौन सी निफ्टी है भाई तो चलिए निफ्टी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं आज निफ्टी का बर्थडे है इवन निफ्टी फिफ्टी का बर्थडे है तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें कुछ आपसे वादा और सब कुछ होगा इस छोटी सी वीडियो में हम आपको बता दें कि बाईस अप्रैल उन्नीस ये दिन था जब निफ्टी 50 इंडेक्स में ट्रेडिंग की एक्चुअली इन्वेस्टिंग की शुरुआत हुई थी और वहाँ से हम आज कहाँ पर खड़े हैं आप सब जानते हो बहुत सारी आसान सी कैलकुलेशन करेंगे जो आपको काफ़ी चीज़ें सिखाएंगी आपको बता दें कि ये जो, जो डेटा है ये एक जनवरी उन्नीस से अवेलेबल है क्योंकि डेटा जो है वो डिराइव करके आया है तो कोई इशू यहाँ पर आप टेंशन मत ले लीजिएगा कि ये कैसे हो गया बाईस अप्रैल से शुरुआत हुई एक जनवरी डेटा कैसे है वो डिराइव करके बनाया गया है जिससे कि हमारे पास कैलकुलेशन में आसानी रहे आप इसके बारे में ज़्यादा जाकर एन इंडिया की वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हो बाकी आ, मैं आपको समझा रहा हूँ उन्नीस ये समय था जब लॉन्च किया गया निफ्टी 50 ये इंडेक्स फ्लैगशिप इंडेक्स है पूरी दुनिया में इसका परचम लहराता है और इंडिया में जब भी कोई पैसे लगाता है कहता है निफ्टी पर पैसे लगा दो समझ रहे हैं खैर शुरुआत हुई थी उन्नीस से जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हमारे सामने आया था और क्यों आया था सामने उन्नीस वालों क्या हालचाल है हसन मेहता भूलम भूल मत जाना स्कैम 1992 खैर स्कैम जाए भाड़ में अभी हमको काम करना है किस पे अपने भविष्य पे हम आपको बता देते हैं हज़ार रुपये के आसपास रेट था आप मान सकते हो 900 ऊपर जाता है 1200 फिर से नीचे आता है 800 फिर से ऊपर जाता है 1200 फिर से नीचे आता है 800 तो आप इसको हज़ार रुपये के आसपास का रेट मान सकते हो मान सकते हो या नहीं मान सकते हज़ार रुपये वाला रेट उन्नीस जो कि आज हमारे सामने कितने पे खड़ा है साढ़े चौदह हज़ार पे यानी कि निफ्टी कितने गुना हो गई साढ़े चौदह गुना वाओ कमाल है ना मतलब कि आपका पैसा पच्चीस साल में कितना गुना हो गया थोड़ा सा आ, खोल लेते हैं देखिए पच्चीस साल आपने बाजार को दिया और आपका पैसा साढ़े चौदह गुना हो गया साढ़े चौदह एक्स यानी कि चौदह पाँच वन फोर फाइव जीरो ज़ीरो है आपके परसेंटेज टर्म्स का रिटर्न ठीक है अब ये बातें क्यों हो रही हैं आपको मैं बता रहा हूँ अभी के हिसाब से कैलकुलेशन करना तो बहुत गलत हो जाएगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ अभी आप बैंक चले जाओ और बोलो बारह साल में मुझे पैसा मेरा डबल करके दोगे क्या बैंक कहेगा हैं सकल देखे हो अपनी निकलो यहाँ से हम नहीं दे पाएंगे क्यों कहेगा बैंक क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम है और इसी कारण हम निफ्टी से वो उम्मीदें नहीं कर सकते जो निफ्टी ने पास्ट में की हुई है ठीक है मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ हम उम्मीदें नहीं कर सकते बाकी निफ्टी कुछ भी कर सकती है कुछ भी दे सकती है हमको आप सोच भी नहीं सकते कितना दे सकती है अब आप सोचिए 25 साल में आपका पैसा चौदह गुना करने वाली निफ्टी आज बैंकों के सामने अगर खड़ी कर दी जाए तो सोचिए क्या हाल होगा आपका पैसा आप सौ रुपये दीजिए बैंक को बारह साल बाद वो आपको दो सौ नहीं देने वाला मान लेते हैं अगर वो दे देता है क्योंकि कुछ छोटे मोटे या प्राइवेट सेगमेंट में कुछ कंपनियां आपको ये काम करके दे रही हैं ठीक है मान लेते हैं दे देते दे दे हैं पी एफ वाले वो आपको दे देते हैं उसके बाद आप दो सौ फिर से लगाते हो ठीक है बारह साल आप देते हो तो ये पैसा आपका चार हो जाता है तो आपको जो ओवरऑल रिटर्न मिलेगा अब अब से सिचुएसन अगर हम सेम कैलकुलेट करें तो चार गुना का और अगर हम मान लेते हैं निफ्टी आ, सेम चीज़ सेम चीज़ें रिप्लीकेट रे, रे, कर जाती है आने वाले समय में तो हमारा पैसा कितना गुना हो जाएगा लगभग तेरह चौदह पंद्रह गुना ठीक है अप्रॉक्सीमेटली और मैं आपको बता दूं ये जो रिटर्न हमने पाया है साढ़े चौदह गुना का रिटर्न जो हमने पाया है ये कोई हवा हवाई रेट से नहीं पा लिया हमने हमने सिर्फ और सिर्फ ग्यारह कितना ग्यारह परसेंट ग्यारह परसेंट का सी ए जी आर और रिटर्न कितना साढ़े चौदह गुना सिर्फ और सिर्फ पच्चीस सालों में है ना कमाल आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसी बीच हमने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस झेला है ये बहुत बड़ी बहुत खतरनाक चीज़ थी सारे स्कैम हमने झेले हुए हैं इससे पहले ही स्कैम जो हुआ था सेंसेक्स की शुरुआत तो सौ रुपये से हुई थी खैर सेंसेक्स की बात यहाँ पर नहीं हो रही है वो सब झेल कर मार्केट यहाँ खड़ी है इसका मतलब क्या है कि ये जो कोविड की दिक्कत है और इसीलिए मैं आपके लिए मोटिवेशन लाया हूँ कि अगर आपने अच्छी क्वालिटी के अच्छे स्टॉक्स लिए हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं चैनल पर लगभग लगभग बताता रहता हूँ डेली कुछ ना कुछ स्टॉक्स का जिक्र होता है तो आपको तकलीफ नहीं होने वाली कम से कम अगर आपने अभी तक गलती की है तो उसको सुधारिए मैं आपसे जो वादा करने को बोला था वो ये करता हूँ कि अगर यहाँ से निफ्टी 11 परसेंट बारह परसेंट तेरह परसेंट का रिटर्न देगी तो हम आपको अपने दम पे फ्री ऑफ़ कॉस्ट चैनल पे कितना कम से कम निफ्टी से निफ्टी से कम से कम तीन चार प्रतिशत ज़्यादा रिटर्न हम आपको निकाल कर देंगे और इसके लिए मैं बिल्कुल फ्री ऑफ़ कॉस्ट की बात कर रहा हूँ इसके लिए आप चैनल पे जा कर के जो हमारी पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस वाली वीडियोस है ना उनको आप देख लीजिए और फिर आप भरोसा करना चाहो तो कर सकते हो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ बिल्कुल वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा ये आपसे वादा है हमारा बस आपसे मुझे क्या चाहिए कि आप अगर एक इन्वेस्टर हो तो फिर पैनिक मत कीजिएगा किसी भी सिचुएशन में हमने आपके लिए जो फार्मूला बनाया है उसी फार्मूले से स्टॉक को सेलेक्ट करके आपके सामने रखूँगा आपकी मर्जी वो फार्मूला लीजिए या नहीं लीजिए ना लीजिए लेकिन मैं आपके लिए समय समय पे स्टॉक्स जो है वो आपके सामने ला कर रखता रहूँगा आपके लिए मिड कैप स्टॉक स्मॉल कैप स्टॉक्स लार्ज कैप स्टॉक्स सब कुछ ला कर रखूँगा और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम तीन परसेंट चार परसेंट ज़्यादा निफ्टी से पा लिए तो हमको क्या अचीवमेंट होगी अगले पच्चीस सालों में वो मैं आपको बताऊंगा तो आप दंग रह जाओगे जी हाँ आप दंग रह जाओगे मैं आपको बता रहा हूँ अगर निफ्टी ग्यारह परसेंट के सी एच आर के बदले हमको चौदह परसेंट का सी एची आर दी होती ना तो हमारी निफ्टी आज पंद्रह हज़ार के आसपास नहीं खड़ी होती सोच कर देखिए कहाँ खड़ी होती बीस हज़ार क्या बाईस हज़ार पच्चीस हज़ार अट्ठाईस हज़ार नहीं हमारी निफ्टी खड़ी होती तीस हज़ार के लेवल पर और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ सही टाइम पे सही इन्वेस्टमेंट ही आपको लॉन्ग रन में बेहतर रिटर्न देने की काबिलियत रखती है तो अगर आप कहीं जॉब करते हो कुछ भी करते हो आपकी इनकम आती है तो वो वीडियो अवेलेबल है चैनल पर स्मार्ट एस वाली वो देखिए खुद से इन्वेस्टमेंट कीजिए अच्छे स्टॉक सबको पता है नहीं पता तो चैनल पर मैंने लिस्ट बनाकर रखी हुई है जाकर देख लीजिए ढेर सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं आपको वहाँ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और लॉन्ग रन के बारे में सोच रहे हो तो और कोरोना डोरोना आते जाते रहेंगे खैर कोरोना बुरा मान जाए इसके लिए आपको क्या करना है इंटेंस एक्सरसाइज यानी कि तीव्र गति वाला कोई व्यायाम दिन में दो बार कोरोना अगर बुरा भी मान जाए और आपको बोले कि मैं भाई तुमको चोट मानना चाहता हूँ तो आप उसके लिए पहले से तैयारी बनाकर रखो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आपको कोरोना हिट करे लेकिन अगर हिट कर दिया तो आप उससे तगड़े रहो उससे मजबूत रहो ठीक है इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट लगभग लगभग हर वीडियो में कर रहा हूँ और दस बारह वीडियो में और करूँगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आप भी अपने आसपास अवेयरनेस जरूर फैलाइए मैं लॉन्ग रन में आपसे ये वादा परफेक्टली कर सकता हूँ आराम से कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है क्योंकि मैंने जो फार्मूला बनाया है आपके लिए वो 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में भी अगर लगा होता तो निफ्टी से बेहतरीन इवन मैं तो तीन चार परसेंट बहुत कम का वादा आपसे किया हूँ हम निफ्टी से डबल रिटर्न भी मैं फिर से कह रहा हूं और ये हवा हवाई बातें नहीं कर रहा हूं मैं आपसे कह रहा हूं हम निफ्टी से डबल तक भी रिटर्न पा सकते हैं अब हमारी रिसेंट पोर्टफोलियो की जाकर परफॉर्मेंस चेक कर लीजिए खैर बात लॉन्ग रन की होती है तो लॉन्ग रन में बहुत बड़े वादे नहीं कर लेने चाहिए मैं आपसे इतना वादा कर सकता हूँ कि अगर निफ्टी 11 परसेंट का सी ए आर अगले बीस सालों में देती है तो हम 14 परसेंट पंद्रह परसेंट पे खड़े रहेंगे ये आपसे वादा है अगर हम तब तक आपके साथ रहते हैं तो इतना तो आपके लिए करना बनता है ठीक है आपसे रिक्वेस्ट क्या है कि अपने आप को आप डिफ़ाइन कर दीजिए आज के आज अभी के अभी डिफ़ाइन कर दीजिए कि आप एक इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो इन्वेस्टर लॉन्ग रन में बहुत पैसा बनाता है मैं कहता हूँ ना हज़ार रुपये को आपने पंद्रह हज़ार में कन्वर्ट कर दिया पच्चीस सालों में सोच कर देखिए उस वक्त के पास उस वक्त अगर आपके पास एक लाख रुपए होते खैर होना मुश्किल था बहुत लोगों के पास मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ लेकिन सोचिए उसको आप कितने गुना कन्वर्ट कर दिए होते आपको पता है ये बहुत बड़ी चीज़ होती है बहुत बड़ी मैं कहता हूँ आपके पास हज़ार ही होते आप हर तीन महीने चार महीने बाद अगर 20-20 परसेंट -20 भी इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ाते जाते तो भी आज बहुत बड़े लमसम अमाउंट पे आप खड़े होते लेकिन पीछे की बात करना अब गलत सा लगता है लेकिन भविष्य की बात करना तो बिल्कुल सही बात है ना अब से शुरुआत कीजिए अगले कुछ सालों के लिए इन्वेस्टर हो तो थोड़ा सा लंबा सोचिए कोरोना से डरिए कोरोना से ना डरिए वो आपकी पर्सनल चॉइस है लेकिन अपने पैसे के लिए इंटेंस एक्सरसाइज आपको क्या करनी है कि दिन में आधे घंटे एक घंटे देने हैं अगर आप खुद रिसर्च करते हो नहीं तो अगर आप किसी के सहारे हो तो किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा मत करना बहुत ध्यान से मैं कह रहा हूँ सब कुछ जांच परख लेना समझ लो शादी कर रहे हो आप ठीक है बहुत जाँच पड़ताल करके ही आगे बढ़ना चाहिए आपको अब आखिरी बात आपसे करना चाहेंगे क्या क्या ये जो रिटर्न निफ्टी ला हमको देती है ये मतलब ऐसा रिटर्न है कि हम कहीं और नहीं पा सकते ट्रेडिंग करके स्विंग ट्रेडिंग करके ये करके वो करके मैं आपसे कहता हूँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा रूल पे स्टिक करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत पड़ेगी जैसे अगर आप इंट्रा डे करना चाहते हो चाहे किसी के सेट पैटर्न पर भी करना चाहते हो तो आपको डेली एक से दो घंटे तो देने हैं मिनिमम एक घंटे तो आपको डेली देना है मतलब हफ्ते में पाँच घंटे पाँच से लेकर दस घंटे स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो हफ्ते में तीन से लेकर पाँच घंटे ये आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी और इससे कम में अगर कोई आपको हवा हवाई यहाँ से स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स बता दे रहा है जैसे कि आपके ब्रोकर भेज देते हैं इसमें को खरीद लो इसको भेज दो इसको खरीद लो उसको भेज दो तो अंत में आप क्या करोगे आप केवल ब्रोकरेज दोगे कमा कुछ नहीं पाओगे और ये आप हिस्ट्री आप जाकर चेक कर लीजिए और मैं आप तो आपसे ये भी कह चुका हूँ कि आपको सब अच्छी चीज़ें पता होती हैं बस आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते हो नो no डाउट कि ट्रेडिंग से बड़ा पैसा आप छोटे समय में बना सकते हो लेकिन रेगुलर बेसिस पे वहाँ पर इनकम आनी मतलब वहाँ पर इनकम आना कठिन है अगर आप रूल पे नहीं स्टिक करोगे और हम इंडियंस का माइंडसेट या ओवरऑल ह्यूमंस का माइंडसेट ऐसा होता है कि हम रूल पर कुछ दिन स्टिक करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं हम कहते हैं थोड़ा रूल को तोड़ते हैं क्योंकि सारा फ़न तो ख़त्म हो जा रहा है हमको और पैसा कमाना है और वहाँ लालच आ जा जाती है अगर आप डेली मैं क्या कहता हूँ डेली का छोटा छोटा टारगेट बनाओ ना और उसको अचीव करते जाओ तो ये आपके इनर सेल्फ में बहुत तगड़ी ग्रोथ करेगा और लॉन्ग रन में आपके फंड वैल्यू भी बहुत तगड़ी सी बढ़ाएगा अब आपके लिए मैं क्या यहाँ पर छोड़ कर जा रहा हूँ पहली चीज़ तो कि मैं आपको निफ्टी से बेटर रिटर्न दिलाने में पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा और ये चीज़ मैं इस बेस पे बोल रहा हूँ कि हमारे पास जो फॉर्मूला है या आने वाले समय में जो भी हम रिसर्च वगैरह करते रहेंगे आपके लिए काफ़ी समय हम बाज़ार को देते हैं वो काम आप हम पे छोड़ दीजिए अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते फ्री ऑफ कॉस्ट आप कनेक्टेड रहिए आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी अब रही बात कि क्या ये करना आसान है जी हाँ आसान है वो तरीका भी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से चैनल पर बताया हुआ है आखिरी बात ये कि अगर हमको इंट्रा भी करना है स्विंग ट्रेडिंग भी करना है इन्वेस्टिंग भी करना है तो किस तरीके से हमको हैंडल करना है मैं एक चीज़ समझता हूँ कि आप सिर्फ बाज़ार में हज़ार रुपये डालना चाहते हो ठीक है हजार रुपये डालना चाहते हो तो मैं आपको कहूँगा आप अपना जो है पैंसठ साढ़े छः सौ रुपये पैंसठ प्रतिशत जिसको कहते हैं ये आप डाल दो इन्वेस्टिंग के लिए जिसको स्मार्ट एस के तरीके से यूज करना है वीडियो अवेलेबल है वो आप देख लीजिएगा साढ़े छ सौ रुपये ठीक है उसके बाद आपको इसमें से दो सौ रुपये क्या करना है आपको दो सौ रुपये डालना है स्विंग ट्रेडिंग में और डेढ़ आपको कहाँ डालना है इंट्राडे में ठीक है ये आपका मतलब कि यहाँ पर पैंसठ प्रतिशत यहाँ पर बीस प्रतिशत और यहाँ पर पंद्रह प्रतिशत तो पैंसठ और पंद्रह कितना हो गया अस्सी हो गया और ये बीस सौ हो गया ऐसे ही आप डिवाइड कर लीजिए और ये ही चीज लगभग 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 मेरा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है पैंसठ वाला मैं साठ भी कर देता हूँ बीस वाला मैं पच्चीस भी कर देता हूँ पंद्रह वाला बीस भी कर देता हूँ ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इतना ही रखिएगा लॉन्ग रन में आपको ये पैसा बना कर देगा ठीक है स्विंग ट्रेडिंग आपको किस तरीके से पैसा देता है वो आपको पता है कभी कभी अनएक्सेप्शनल गेन्स भी हो जाते हैं वहाँ पर और इंट्रा ये अगर आपके पास समय हो तो आप रेगुलर बेसिस पे छोटे मोटे खर्चों को हैंडल करने के लिए ये काम आप कर सकते हो जो कि आपके डेली खर्चे होंगे और डेली लगभग लगभग इनकम आ जाएगी वीकली बेसिस पे ठीक है वीकली बेसिस पे कैल्कुलेशन इंट्रा डे का होता है मंथली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग का और ईयरली बेसिस पे इन्वेस्टिंग का होता है अच्छे स्टॉक्स अच्छे रेट पे सेलेक्ट करिए सारी चीज़ें हम आपको देने की कोशिश करते रहेंगे तो निफ्टी का जो ये गोल्डन पीरियड चला है आई होप कि आगे भी चलता रहे हम उस केस में भी आपकी मदद करेंगे जब निफ्टी नेगेटिव रिटर्न देगी उस वक्त भी हम आपको आपके फंड को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे अलग अलग तरीके से करेंगे इसीलिए आपको स्मार्ट एस आई जैसी वीडियो भी दी है आपको बस आसान चीज़ें सीखनी है कोई हवा हवाई चीज़ आपको बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा के देने वाली आसान चीज़ें ही इस बाज़ार में जो पैसा बनाती हैं आई होप आप अपने आप को मोटिवेटेड फील करा पा रहे होंगे और ये चीज़ ख़ुद को भी विश्वास दिला दीजिएगा कि आप भी इस बाजार में बड़े आसानी से सारी चीज़ें कर सकते हो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कुछ भी आप भी सीख करके ये सारी चीज़ें कर सकते हो निफ्टी से बेटर रिटर्न रिटर जनरेट कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग भी बढ़िया तरीके से कर सकते हो इंट्राडे भी बढ़िया तरीके से कर सकते हो अब यहाँ तक जो आया है उसके लिए बहुत तगड़ा तगड़ा गिफ्ट ठीक है बहुत तगड़ा तगड़ा गिफ्ट तगड़ा तगड़ा गिफ्ट ये कि अगर आपको इंट्रा या स्विंग ट्रेडिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो पहले तीस ईमेल्स आएंगे रात 12 बजे से पहले हम उनको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तो मिलते हैं अगली वीडियोज में अच्छी वाली तब तक के लिए नमस्कार